राम भी सभी को आज मैं ये वीडियो जो स्किनी है उनके लिए बना रहा हूँ, जिनको वेट पुट ऑन करने में और मसल मास पुट ऑन करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो YouTube पर सर्च करने की नीड नहीं होगी। इसमें आपकी डाइट रिलेटेड, वर्कआउट रिलेटेड और रिकवरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक टाइम पे मैं भी कभी स्किनी होता था, मुझे भी वेट गेन करने में और मसल मास पुट ऑन करने में प्रॉब्लम होती थी, बट मैं को ना बहुत सारी मिस्टेक की मैंने, जिनकी वजह से ना मेरे को इतना टाइम लग गया जैसा मेरा फिजिक है इस तक पहुँचने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप वो मिस्टेक ना दोहराएं। मैं जो भी इस वीडियो में बताऊँगा उनको अच्छे से फॉलोअप करें। आप भी मेरी तरह ही 1 से 2 साल के अंदर ना इजीली मेरे जैसे फिजिक को अचीव कर लेंगे। पहले नंबर पर आती है आपकी डाइट। अब जो स्किनी है उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है उनकी भूख। उनको भूख ही नहीं लगती है, और जब तक आप कैलरी सरप्लस नहीं जाएंगे तब तक आपका वेट गेन और मसल मास पुट ऑन होगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है आपको 3 से 4 लीटर के ना वाटर इनटेक रखनी है। जो वाटर होता है ना वो जब हम 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो हमारे स्टमक को एक्सपेंड कर देगा और हमारी जो ये भूख लगने वाली प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरा, वाटर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और वाटर ही है जो आपके थ्रू आउट द बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ना लेके जाता है। अब भूख लगने वाली प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई है तो आप कितना खाना है और कितनी बार खाना है। देखिए, सीरियसली मसल मास पुट ऑन करने के लिए ना आपको जितनी जल्दी हो सके ना पहली मील उतनी जल्दी लेनी है। आपको अराउंड 6 से 7 के बीच में ना एक मील तो लेनी ही लेनी है, उससे पहले आप ले सकते हैं। और उस मील में ना आप कोशिश करें कि हाईली डेंस कैलोरी वाली है ना एक शेक ले लें। मैं उस शेक का ना आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जा कर देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मिल जाएगा। अब कितनी बार आपको खाना है, आपको कम से कम 5 से 6 बार आपको खाना ही खाना है। मैं भी एक वर्किंग हूँ और मैं भी अपनी 5 से 6 बार की मील ले पाता हूँ। आप जो इसको देख रहे हैं आप वर्किंग या स्टूडेंट होंगे तो आप भी 5 से 6 बार इजीली खा सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपनी जो कैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली रखें। ऐसा नहीं है कि एक मील में तो आपने इतना सारा कैलरी डाल रखा है और एक में आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाल रखा है। तो अपना जो कैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रखें, इवनली रखें। थोड़ा बहुत 100-200 कैलरीज का ऊपर नीचे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक में आप 1000-1500 कैलरीज की मील रख रहे हैं और दूसरी आपकी 300 कैलरीज की है। अब आपको कितना खाना है, आपको अगर स्किनी है तो आपको ऑफकोर्स ये बात है कि आपको ना कैलरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। अब कैलरी सरप्लस के लिए ना आपको अपनी मेंटेनेंस कैलरी ना सबसे पहले पता करनी पड़ेगी कि मेंटेनेंस कैलरी आपकी कितनी है। अब मेंटेनेंस कैलरी आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे ना आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको ये 3 डिटेल है ना ये प्रोवाइड करानी है, आपकी एज, हाइट और वेट। मैंने एक अजम्पशन लिया है कि अगर कोई बंदा 25 साल का है, उसकी फॉर सपोज हाइट है 5'8" और करंट वेट है 65 kg, और इसकी सपोज करते हैं कि मेंटेनेंस कैलरी आ गई 2500। अब इस वेट के लिए आपको कितना प्रोटीन लेना, अगर आप जस्ट बिगनर हैं तो आपको बॉडी वेट से ही स्टार्ट करना है कि 1 × बॉडी वेट, यह आपका प्रोटीन आ गया 1 × 65 ग्राम से आपको ना स्टार्ट करना है प्रोटीन की इनटेक, और उसको लेके जाना है जो आपका गोल वेट है। फॉर सपोज ये 65 है तो आपका गोल वेट फॉर अराउंड 72-75 kg के अराउंड होना चाहिए आपका वेट। गोल वेट आपका 75 kg है फॉर सपोज, तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन आ गया 2 × 75, ये आ गया 150 ग्राम। आपको 65 ग्राम से स्टार्ट करना है और लेके जाना है 150 ग्राम तक प्रोटीन की इनटेक को। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मत रखना, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। अब बात आते हैं आपकी कार्ब्स की और फैट्स की, कितना लेना है। आपको कार्ब्स और फैट्स के लिए ना
सीधा इसका ना 25% निकालना है। इसका 25% हो गया आपका 625। ये कैलरीज है आपकी 625 कैलरीज। इतनी कैलरीज आपकी फैट की और कार्ब्स की होनी चाहिए। अब एक ग्राम कार्ब्स में कैलरीज होती हैं आपकी 4, तो 625 कैलरीज में कितनी होंगी उसको डिवाइड कर लेना है। 625 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 156 ग्राम कार्ब्स आ जाए। इतना आपको कार्ब्स लेना है। अब फैट के लिए भी आपको इतनी कैलरीज लेनी है। इसका 25% वो आ गया आपका वही 625 कैलरीज। अब एक ग्राम फैट में जो कैलरीज होती हैं वो होती हैं 9, उसके हिसाब से आपका फैट आ जाएगा 625 कोन में 9, ये हो गया आप 69.44 ग्राम फैट। कितना फैट आपको लेना है। दूसरे नंबर पर आता है आपका वर्कआउट। अब आप लोग जिम जा रहे हैं या घर पे वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसका कारण है कि आप प्रॉपरली हाइपरट्रॉफी को टारगेट कर ही नहीं पा रहे हैं। कितना वर्कआउट करना है ये आपको मालूम ही नहीं है। आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम है आपको। मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। अब वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी रखनी है। वर्कआउट की इंटेंसिटी है ना आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अकॉर्डिंग ही रखनी है। फॉर सपोज आपने वार्म अप कर लिया तो एक तो आपको 3 से 4 एक्सरसाइज फॉर ईच बॉडी पार्ट ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं, और बेसिक्स पे रहना है आपको। ये फैंसी एक्सरसाइज करने का ना कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं तो आपका इतना अच्छा मसल माइंड है ना बन नहीं पाएगा उन फैंसी एक्सरसाइज से। तो अपने ना बेसिक्स को ज़्यादा आपको प्रेफर करना है और उन अच्छे से अच्छे ना उनमें फॉर्म इम्प्रूव करनी है सो डैट आपके ना अच्छे खासे रिजल्ट आ सकें। अब आपको करना क्या कि जैसे ही आपने 15 से 20 मिनट का वार्म अप लिया उसके बाद आपको वर्किंग सेट पर चले जाना है। अब वर्किंग सेट के लिए ना एक पर्टिकुलर है ना वेट चूज कर लेना है जिसके आप है ना 8 या 9 रैप निकाल पाते हो, खाली मैक्सिमम 8 से 9 रैप निकाल पाते हैं, और फिर उसके ना 4 सेट लगाने हैं आपको और ट्राई करना है कि हर सेट में 8 रैप लग पाएं। अगर आपका जैसे लास्ट वीक में आपने 50 किलो वेट मारा है चेस्ट पे या थाई पे किसी भी मारा है उसके 8 रैप लग गए हैं और 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीक उसमें 1 या 2 किलो का वेट बढ़ा के फिर से आपको 8 रैप लगा के ऐसे 4 सेट लगाने हैं, और ऐसे 3 या 4 एक्सरसाइज ही करनी है। 3 या 4 एक्सरसाइज में जो बड़े मसल ग्रुप हैं चेस्ट बैक और थाई उनकी बात कर रहा हूँ, आपके जो स्मॉल मसल ग्रुप हैं ये बाई ट्राई और शोल्डर इनकी तो 2 से 3 एक्सरसाइज ही मोर देन इनफ है। दूसरी बात, आपको कोई एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करने हैं और ट्राई करना है कि एक बॉडी पार्ट है ना दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेट करता हो। जैसे आप चेस्ट लगाते हैं तो उसमें आप शोल्डर और ट्राइसेप्स दोनों कर सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बैक लगाते हैं तो उसमें आपका बाई इन्वॉल्व होता है तो उसमें बाई कर सकते हैं, और जो थाई है उसमें थाई में आप इंडिविजुअल थाई लगा सकते हैं। अब जो लास्ट वर्कआउट से रिलेटेड है वो है जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है। अब आपको जैसे हफ्ते में आपको 2 बार एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है तो ऐसे एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी है, एक तो जिसमें आपका अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बन जाए, दूसरा वो वीक में ना रिपीट ना हो। फॉर सपोज आपने मंडे को थाई में स्क्वाट्स लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो फिर से स्क्वाट्स लगाएं, तो स्क्वाट्स लगाने की नीड नहीं है। उस डे पर आप लेग प्रेस लगा लीजिए, दोनों ही हैवी एक्सरसाइजेज हैं, तो 2 हैवी एक्सरसाइज को ना 2 डिफरेंट डे में डिवाइड कर लीजिए ताकि आप फुल इंटेंसिटी से है ना उस मसल को टारगेट कर पाएं और अपना 100% दे पाएं जिस मसल को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अब लास्ट वन है रिकवरी, जिसको यूजुअली ना सब मिस कर देते हैं। देखिए, अगर आपको मसल मास अच्छा खास पुट ऑन करना है तो आपको ना 6 से 7 घंटे की ना मिनिमम स्लीप लेनी ही पड़ेगी। आपको ये मोबाइल जो यूज़ करते हैं लेट नाइट, इसको अवॉइड करना पड़ेगा।
अब मैं अपनी बात करूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो यूजुअली मैं लेट हो जाता हूँ, बट मेरे लिए ना थोड़ा सा अलग रीज़न है क्योंकि मैंने अपना एक फिजिक अचीव कर दिया है और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ट्रेन करते हुए, तो अगर मैं थोड़ी सी कम स्लीप भी ले लेता हूँ तो मेरी बॉडी रिकवर हो जाती है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ना इतनी कैपेसिटी आ चुकी है कि थोड़े से टाइम में ना मसल रिकवर हो जाए। बट ये कंडीशन आपकी नहीं है, तो आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाइजेशन का इशू है या फिर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।